हाय बच्चों, वेलकम बैक टू सीबीटी पायरेट 24/7। मैं हूँ आयुषी मैम और आप सभी लोगों का स्वागत है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के वन शॉट के अंदर, दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है उतने ही ज़्यादा मार्क्स का ये पूछा जाता है बोथ क्लास 12th और सीयूटी के लिए। सो किसी भी हालत में आप इस चैप्टर को हल्के में नहीं ले सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन, जहाँ पर हमें इस चैप्टर को समराइज करना है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात बच्चों, जो तीनों आपके फंक्शनल ग्रुप्स है, राइट, आपके पास एल्डिहाइड है, ठीक है, आपके पास कीटोन है, ठीक है, और आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, तीनों में जो एक कॉमन चीज आप लोगों को दिख रही होगी वो ये होता है आपका, दैट इज कार्बोनिल। ठीक है, तो अक्सर मन में सवाल आता है कि मैम कार्बोनिल बॉन्ड के बारे में क्या कहा जा सकता है। तो आप सभी लोगों को पता है कि कार्बोनिल में जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और जो उसका शेप है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ठीक है, साथ ही में अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि मैम इसकी ये बॉन्ड पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये बॉन्ड पोलर इन नेचर भी होता है। और मैम अगर ये पोलर इन नेचर है तो अगर मैं इसके ऊपर अटैक करवा रही हूँ तो मैम जो न्यूक्लियोफाइल्स है वो कहाँ पर अटैक करेंगे, ऑब्वियसली कार्बन के ऊपर, और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हमेशा कहाँ पर अटैक करेगी, ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि नेगेटिव का अटैक पॉजिटिव पे और पॉजिटिव का अटैक आपका नेगेटिव पे हो रहा होगा। तो ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन है जो आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर हमारी आती है प्रिपरेशंस। ठीक है, तो कुछ कॉमन प्रिपरेशंस है जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ बाय ऑक्सीडेशन, प्रिपरेशन बाय योर एल्कीन्स और प्रिपरेशन बाय एल्काइन्स। मैं आप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हो, लेकिन फिर कुछ हमारे स्पेसिफिक नेम रिएक्शंस होंगे जिनमें आप केवल और केवल एल्डिहाइड्स ही बना पा रहे होंगे। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं दोनों कहानियों को। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, आई थिंक क्वाइट सिंपल है बच्चों। ये अगर मैं कोई भी प्राइमरी एल्कोहल ले रही हूँ RCH2OH या फिर R2CHOH में ले रही हूँ, दैट इज़ प्राइमरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल। तो प्राइमरी एल्कोहल का जब भी आप ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, और अगर आप एक सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको पता है कि मैम हमें क्या मिलेगा, एक कीटोन। ठीक है, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट अ कीटोन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है यू विल गेट एल्डिहाइड और यहाँ पर आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक कीटोन मिलेगा। ठीक है, क्या मैम टर्शरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जा सकता है, तो इसका जवाब आई थिंक सभी लोगों को पता है कि मैम टर्शरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, टर्शरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते हो। तो मैम कौन कौन से रिएजेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं, तो आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि PCC, PDC, CrO3, कॉपर एट 573 केल्विन, इन सभी का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अच्छा कॉपर को यूज़ कर रहे हो बेटा आप, अगर आप कॉपर को यूज़ कर रहे हो 573 केल्विन पे, तो प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल में तो सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन याद रखना टर्शरी एल्कोहल में इस केस में आपको एक एल्कीन मिलेगी। ठीक है, राइट है, तो ये एक स्पेशल केस है कि टर्शरी एल्कोहल का अगर आप कॉपर के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपको एल्कीन मिलता है, बाकी प्राइमरी और सेकेंडरी का नॉर्मल ऑक्सीडेशन ही हो रहा होगा। ठीक है, ये कहानी क्लियर है, तो आइए सेकंड वाले पे आ जाते हैं। डिहाइड्रोजनेशन बोलूं या फिर मैं सेकंड, मतलब दैट इज सेम योर कॉपर वाला रिएक्शन, लेकिन मैं यहाँ पे आऊँ नेक्स्ट पे, तो सेकंड प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कीन्स, एंड अगर मेरे पास कोई भी एल्कीन है तो यहाँ पे आपका रिएक्शन होता है ओजोनोलाइसिस। ठीक है, तो आप ओजोन डालते हो तो ये एल्कीन में बेटा आपका ओजोन का इंसर्शन हो जाता है। ठीक है, और फिर अगर आप इसके ऊपर जिंक डालते हो तो प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करते हो और यहाँ से ब्रेक करते हो, तो आपको दो कार्बोनल्स मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये मिलेगा और दूसरे में आपको एक साइड और कार्बोनल मिलेगा। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि मैम डायरेक्टली प्रोडक्ट कैसे बनाएं, तो डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको याद रखनी है ट्रिक, इसे यहाँ से बीच में से तोड़ना है, नीचे एक साइड डबल बॉन्ड वो लगा दिया, एक साइड डबल, तो डबल बॉन्ड को तोड़ो और दोनों साइड ऑक्सीजन लगा दो, फिर इसको सही करके लिख दो, सी डबल बॉन्ड हुए दोनों साइड हाइड्रोजन, सी डबल बॉन्ड हुए एक साइड हाइड्रोजन, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये दो कार्बोनल्स। तो यहाँ से आपने दोनों एल्डिहाइड्स बनाए, बट क्या मैं कीटोन भी बना सकती हूँ, अगर बाई चांस आपके पास ऐसा एल्कीन है और आपने इसके ऊपर ओजोनोलाइसिस किया, तो यहाँ से आपको इसे ब्रेक करना पड़ेगा इधर से। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये है इधर से, फॉर एग्जांपल ये है, तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और एक ये डबल बॉन्ड हो, तो क्या यहाँ से कीटोन मिलेगा, देखो
ये सीधा करोगे तो ऊपर कीटोन बन जाएगा और ये तो आपको HCHO मिल ही रहा है, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, कीटोन और एल्डिहाइड दोनों मिल गया। तो अगर मैं ओजोनोलाइसिस की बात करूँ तो ओजोनोलाइसिस जो आपका है एल्काइन का, इसमें आपको एल्डिहाइड भी मिल सकता है और कीटोन भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस तरीके का एल्कीन लिया है। ओजोनोलाइसिस से दोनों चीज़ों को बनाया जा सकता है। सिंपल फंडा रखना है ऑर्गेनिक को, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, याद करने का तरीका है कि जितने सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर में समरी चैप्टर की आपके दिमाग में होगी, मैम ये चार रिएक्शन, तीन रिएक्शन, प्रिपरेशन डन, पांच रिएक्शन, चार रिएक्शन डन, जितना समराइज रखोगे उतना आप उसको याद कर पाओगे। तो अभी तक दो रिएक्शन पढ़े हो एल्डिहाइड कीटोन को बनाने के लिए, और अब हम तीसरे रिएक्शन पे आ रहे हैं, दैट इज हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन्स। ठीक है, तो अगर मैं एल्काइन्स के हाइड्रेशन की बात कर रही हूँ, तो अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक एल्काइन है और इसके ऊपर मैं H पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ HG2 पॉजिटिव डालती हूँ, तो यहाँ पे होता है पानी का इंसर्शन, तो डबल बॉन्ड हटता है, अंदर वाले कार्बन पे OH जुड़ेगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन है और यहाँ पे आपका H जुड़ेगा। ठीक है, वैसे तो कार्बोकेटाइन sp2 कार्बन पे नहीं बनता, बट OH का अटैक वहाँ पे ज़्यादा ही फीजिबल होता है। अब यहाँ पे होता है टॉटोमेरिज्म, और टॉटोमेरिज्म में क्या होगा कि आपका ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होता है, ये यहाँ पे शिफ्ट होता है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, तो इस रिएक्शन में आप जनरली कीटोन बनाते हो। ठीक है मैम, डायरेक्टली प्रोडक्ट कैसे बनाए, जब भी आपको कोई एल्काइन मिले अंदर वाले कार्बन पर, ठीक है, अंदर वाला कार्बन कौन सा है, ये वाला, कीटोन बना दो, क्योंकि टॉटोमराइज होकर अंदर वाले कार्बन पर ही आपका क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। ठीक है, ये वाला जो फॉर्म होता है इसको बोलते हैं ईन, क्योंकि डबल बॉन्ड है, इनॉल, इन एंड ऑल, और इसको क्या बोलते हो, कीटो, तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म भी इसको बोल देते हैं। क्या इस रिएक्शन में हमेशा कीटोन ही मिलेगा ना, तो एक ही ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, देयर इज जस्ट वन कंपाउंड, दैट इज योर इथाइन। तो अगर आप इथाइन के ऊपर रिएक्शन करते हो यहाँ पे, तो आपको अब यहाँ अंदर कार्बन लो या बाहर, एक ही केस है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है आपका, दैट इज इथेनॉल। तो यहाँ पे याद रखना है कि ओनली इथाइन विल गिव एल्डिहाइड। ठीक है, केवल ये देगा। ठीक है, सभी लोग क्लियर है? तो ये तीन प्रिपरेशन आपने पढ़ी जिसमें आप एल्डिहाइड कीटोन दोनों बना सकते हो। पहला ऑक्सीडेशन किया एल्कोहल का, प्राइमरी एल्कोहल ने एल्डिहाइड दिया, सेकेंडरी एल्कोहल ने कीटोन दिया, दूसरा ओजोनोलाइसिस किया एल्कीन का, जो भी एल्कीन है उसके अकॉर्डिंग आप एल्डिहाइड कीटोन बनाओगे, और तीसरा एल्काइन का हाइड्रेशन किया, सारी एल्काइन्स कीटोन देंगी, केवल इथाइन आपको एल्डिहाइड देगी। बट जनरली आप कह सकते हो इन तीनों रिएक्शंस में आप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बातें क्लियर है, जल्दी से एक बार सेशन को लाइक करो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जितने भी बच्चे यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वो ना मुझसे चाहते हैं लाइव कनेक्ट करना, ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूँगी, और ये सच में सजेशन ऐसा है जो आप मुझे बोलोगे बाद में कि मैम सही सजेशन आपने दिया था, अगर आप पॉसिबल है तो गो फॉर द बैच, क्योंकि बैचेस में आप कंटिन्यूस पढ़ाई कर पाओगे, आपका एग्जाम क्रैक होने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ेंगी, आपके बोर्ड में मार्क्स अच्छे आएंगे, एंड आपको इकोनॉमिकल भी लगेगा, क्योंकि आपको कोई ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं पर्सनली बोल रही हूँ, क्योंकि जिस शिद्दत से हम आपको पढ़ा रहे हैं, यू डू नॉट नीड एनी ट्यूशन आफ्टर यू आर जॉइनिंग अ बैच। तो पूरे साल की फीस अगर आप 10,000 फॉर एग्जाम्पल बहुत मैक्सिमम करके दे देते हो, तो 10,000 में अगर आप 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आप देख सकते हो कि इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ, अगर आप जो नॉर्मल कोचिंग्स की बात करो। ठीक है, तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि आप ये बैच कैसे चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि एक नया बैच है जो हमारा शुरू हो रहा है, अड्डा 24/7 पे जाइएगा, ठीक है, सी ऑल कोर्सेज में जाइएगा, और यहाँ पे आप लोग जाएंगे, दैट इज UGPG के CUT UG सेक्शन में, CUT साइंस में। ठीक है, यहाँ पे समर्थ 3.0 बैच है हमारा। ठीक है, ये बैच आपको टेस्ट सीरीज के साथ मिल रहा है, 6 सब्जेक्ट की क्लासेस मिल रही हैं, Wi-Fi 13 ये मेरा कोड है, बट आपको ये यूज़ करना चाहिए और पड़ेगा, तो ये जब आप यूज़ करोगे तो ये आपको 9959 का बैच मिलेगा। ठीक है, तो मैं एक बार बस इसको इन्फॉर्म कर देती हूँ, देन हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, अगर आपके पास ये तो आपका कोड है, ठीक है, एक तो इसको हटाना पड़ेगा, गिव मी वन सेकेंड। ठीक है, इसको यहाँ पे क्रॉस कर देना, जब आप खोलोगे तब भी आएगा ये। ठीक है, अरे हट जाओ भाई, हट ही नहीं गए, हाँ अब हट चुका है। चलिए, तो मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि देखो अक्सर आप कंफ्यूज होते हो कि यार मैम बैच लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए,
तो आपको यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो ठीक है, इंग्लिश जीटी अगर आप सीयूटी का पेपर दे ही रहे हो तो इंग्लिश जीटी के पढ़ना ही पड़ेगा और देना ही चाहिए हर ट्वेल्थ के बच्चे को। चाहे आपको लग रहा हो कि मैम मैं बाद में पढ़ के करूँगा हो जाएगा, वो से वो रिस्क मतलब इस बार का सीयूटी आपने देखा बहुत मुश्किल हो गया था एंड बहुत बच्चे इस वक्त इस प्रॉब्लम में है कि मैम हमारा पेपर अच्छा नहीं गया, तो इससे बेटर है कि आप अभी पढ़ो ठीक है। यहाँ पे आपका क्लास ट्वेल्थ भी होगा पूरा कंप्लीट और सीयूटी भी होगा, तो दोनों एग्जाम्स आपके कवर हो जाएंगे ठीक है। दिस इज़ अ 12 months कोर्स, तो 12 महीने की फीस है 6 सब्जेक्ट की ठीक है। तो आप खुद ही डिवाइड कर लो कितना पढ़ने वाला है। ये मेरा कोड है जिसको आप यूज़ करोगे तो ये आपको डिस्काउंट मैक्सिमम मिल जाएगा Wi-Fi 13। और स्टिल कोई डाउट है तो ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पर आप मुझे ईमेल करके पूछ सकते हो। कोई सही में प्रॉब्लम आ रही है और नहीं समझ में आ रहा है कि मैम करें भी या ना करें तो ठीक है, तो ये आप कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। लाइव पढ़ना है डिटेल में तो ठीक है, बाकी यूट्यूब पे तो चल ही रहा है कंटेंट, बट दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू गिव यू डिसिप्लिन एंड अ पर्पस पूरे साल का कि करना क्या है और कैसे करना है ठीक है। तो ये एक कहानी है, बाकी आइए बैक टू द बेसिक्स। ये हो गई हमारी 3 प्रिपरेशन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब केवल हम बनाएंगे एल्डिहाइड्स को और यहाँ पे हमारे 4 नेम रिएक्शंस आने वाले हैं। सबसे पहले है असाइल क्लोराइड के साथ अगर मुझे बनाना है तो आई होप सो आपको नेम रिएक्शन, अब ये डायरेक्ट रिएक्शन है इसको कोई मैकेनिज्म भी नहीं याद रखना है। तो अगर आप यहाँ पे डालोगे H2PDBaSO4 तो यहाँ से आप बनाओगे बेंज एल्डिहाइड। आई होप सो आपको रिएक्शन का नाम पता है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? दिस इज रोसिन मुंड रिडक्शन, रोसिन मुंड रिडक्शन ठीक है, दिस इज रोसिन मुंड रिडक्शन। तो ये असाइल क्लोराइड से डायरेक्टली बन गया। ऐसे ही अगर आपके पास नाइट्राइल है ठीक है और आप इससे RCHO बनाना चाहते हो तो आप इस पर डायरेक्टली रिएजेंट डाल सकते हो, क्या दैट इज SnCl2+HCl। और ऐसी से ही नाम याद रख लेना स्टीफन रिएक्शन ठीक है। तो स्टीफन रिएक्शन वाला जो रिएक्शन है उसका नाम तो है आपका SnCl2 के साथ ठीक है, लेकिन आप इसके लिए एक और रिएजेंट भी यूज़ कर सकते हो, दूसरा एक रिएजेंट भी यूज़ कर सकते हो जिसका नाम है डाइबलेज, वो भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। डाइबलेज के साथ वो नेम रिएक्शन नहीं होगा बट वो काम सेम ही करेगा। जैसे होता है ना कि हम फॉर एग्जांपल मार्केट में जाते हैं, एक महंगी चीज़ मिल रही है एक सस्ती चीज़ मिल रही है, काम दोनों सेम करें बस ब्रांड का फर्क आ जाता है। तो आप कहते हो यार ठीक है ब्रांड ही तो नहीं है, बट वो होता है ना एडिडास और एबीबास, थोड़ा सा वो फ़र्क मानो, लेकिन यहाँ पे काम दोनों बराबर करते हैं बस नाम बदल जाता है ठीक है, नेम रिएक्शन नहीं बचता है ठीक है। आइए फिर आएगा टोलीन के साथ बहुत ही फेमस रिएक्शन। टोलीन के साथ आप अगर बेंजेल्डिहाइड बनाना चाहते हो तो आपको यूज़ करना होता है बेटा रिएजेंट दैट इज CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड। तो टोलीन के साथ अगर आप ये रिएक्शन कर रहे हो तो इस रिएक्शन का नेम होता है इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन स्पेसिफिकली यही होगा। इसके अलावा ये कन्वर्जन करने के लिए दो और रिएजेंट्स आप यूज़ कर सकते हो, पहला क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ठीक है, थोड़ा सा हाइड्रोलाइसिस करते हैं और थोड़ा 378 केल्विन का टेम्परेचर देंगे ठीक है। दूसरा आप इसको यूज़ कर सकते हो CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड ठीक है और हीट। तो दोनों ही रिएक्शन से आपको सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन अगर आपने CrO2Cl2 यूज़ किया तो उस रिएक्शन का एक नाम हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी योर इटार्ड रिएक्शन। तो स्पेसिफिक एक नेम रिएक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा ठीक है। आइए फिर बेंजीन के साथ अगर मुझे करना है मैम तो बेंजीन के साथ अगर आपको करना है तो आपको डालना होगा क्या COHCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AnCl3, तो यहाँ से बनेगा आपका बेंजेल्डिहाइड 1-CHO ठीक है। तो रिएक्शन का नाम क्या होगा मैम अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन, तो रिएक्शन का नेम याद रखेंगे दिस इज गेटमैन कोच रिएक्शन ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर ठीक है, ये वाली बात को आपको ध्यान रखना है। मैं इस वाले रिएक्शन के लिए बोलूँगी ये रिएक्शन ऐसा है जो ना पेपर में बहुत सारी बार पूछा जा सकता है, तो इस पर आपको स्पेसिफिकली फोकस रखना पड़ेगा। बहुत बार ये सारे नेम रिएक्शन आपसे पूछे गए ठीक है। तो CrO2Cl2 पे ठीक है, CrO2Cl2 पे आपको स्पेसिफिक अरे यार ये क्या हो रहा है, स्पेसिफिक ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा छोटा कर ठीक है, दिस इज जस्ट अ बेसिक हाइलाइटर। आइए तो इतनी बात क्लियर होती है, तो हमारी सारी प्रिपरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो हमारी सारी प्रिपरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। पहली अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ठीक है, दैट इज एल्डिहाइड और कीटोन
कि मेरे पास तीन प्रिपरेशन है. पहली है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है. दूसरी है आपका ओजोनोलाइसिस, और ये आपको इसी फॉर्मेट में याद रखना है. तीसरा है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन्स. फिर मेरे पास एल्डिहाइड की ही कुछ प्रिपरेशन है जिसमें चार नियम रिएक्शन है. पहला है रोजन मून रिडक्शन, दूसरा है स्टीफन रिएक्शन, तीसरा है आपका इटार्ड रिएक्शन, और लास्ट है आपका दैट इज गेटमैन कोच रिएक्शन. ठीक है, तो ये चार और तीन, सात रिएक्शंस प्रिपरेशंस आपने अभी तक सीखे. अब बचती हैं तीन प्रिपरेशन जो केवल कीटोन की है, ठीक है. तो वो है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड फ्रॉम नाइट्राइल, और है बेंजीन के साथ फिडलक्राफ्ट रिएक्शन. तो पहले एसाइल क्लोराइड की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट को डालते हो कैडमियम क्लोराइड के ऊपर, तो यहाँ से बनता है R2CD, ठीक है, R2CD. और अगर आप इस R2CD का रिएक्शन करते हो एक एसाइल क्लोराइड के साथ, तो यहाँ से क्या होता है, आपको मिल जाता है RC डबल बॉन्ड OR डैश, और साथ में आपका CDCl2 बाहर आ जाता है. ठीक है, क्या हो जाता है यहाँ पे, आप इसके यूज़ करते हो 2 मोल्स, ठीक है, यू आर यूजिंग 2 मोल्स ऑफ दिस. और सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास R2CD आ रहा है, और यहाँ पर भी आप इसके 2 मोल्स यूज़ करते हो, ठीक है, बैलेंस आउट करने के लिए. अब आप बोलोगे मैम समरी बता दीजिए. तो देखो, इस रिएक्शन के क्वेश्चंस 2 टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है. क्या, फॉर एग्जांपल वो आपको दे सकता है CH3MgCl के ऊपर अगर मैंने CDCl2 डाला और CH3CH2COCl डाला, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा. तो अगर आपको कैडमियम दिख गया है, तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कीटोन ही बनने वाला है, ठीक है. तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से इसको उठाना है और यहाँ से इसको उठाना है, दोनों को जोड़ देना है. तो एक साइड CH3, एक साइड 2 कार्बन वाला, और बीच में C डबल बॉन्ड, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है. लेकिन वो इसको ऐसे भी दे सकता है आपको, वो आपको ऐसे भी दे सकता है. ये सेम ही क्वेश्चन है, देखो CH3 2CD दे देगा और CH3 CH2 COCl दे देगा. अभी भी प्रोडक्ट सेम है, बस उसने क्या किया, दोनों स्टेप्स को कंबाइन करके दे दिया, ठीक है. तो यहाँ से भी ये ग्रुप उठाओगे, ये ग्रुप उठाओगे, दोनों को जोड़ दोगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, दोनों में देखो प्रोडक्ट सेम है, ठीक है. चाहे तो 1, 2 और 3 रिएक्टेंट, 1, 2 और 3 तीन रिएक्टेंट दे सकता है, चाहे तो ये और ये भी दे सकता है, क्योंकि वो ये डायरेक्टली बना के भी दे सकता है. तो दोनों ही केस में अगर आपको क्या दिख गया, इफ़ यू सो कैडमियम, है ना, इफ यू सो कैडमियम, तो आपको पता है कि मैम कीटोन ही बनाना है, ठीक है. कैडमियम देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि मैम कीटोन ही बनाना है, ठीक है, क्लियर है. कैडमियम माने कीटोन, ऐसा याद रख के चलना, ठीक है. नेक्स्ट है नाइट्राइल के साथ, काफ़ी सिंपल है ये भी. अगर आपके पास नाइट्राइल है और इसके ऊपर आपने ग्रिगनार्ड रिएजेंट डाल दिया, ठीक है, RMgCl, और यहाँ पे इसको आपको रिएक्शन को बना रहे हैं, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, RC डबल बॉन्ड OR बीच में जोड़ दीजिए, ठीक है. मतलब मैं R डैश कर देती हूँ, जो भी R ग्रुप है दोनों को जोड़ के C डबल बॉन्ड O बीच में लगा दीजिए, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल CH3CN है और CH3MgCl है, तो कुछ नहीं करना है, एक CH3 उठाना है और बीच में C डबल बॉन्ड O लगाना है. तो नाइट्राइल के साथ अगर ग्रिगनार्ड रिएजेंट भी दिया है, तो भी डायरेक्टली दोनों ग्रुप्स को उठा के आपको जोड़ देना होगा, ठीक है. ये नाइट्राइल का केस है. लास्ट है बेंजीन के साथ अगर बनाना है, तो अगर बेंजीन के साथ बनाना है, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा क्या, RX इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है. दिस इज़ व्हाट, दिस इज योर फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन. तो आपको यहाँ पे R जुड़ जाएगा. तो ये तो नॉर्मल एल्काइलेशन है, इसमें तो आपने कीटोन नहीं बनाया. लेकिन अगर यहीं पर आपने असाइलेशन किया RCOCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ऐसा आपने अगर किया, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यू विल गेट C डबल बॉन्ड OR. तो यहाँ पे आपको कीटोन बन जाएगा. तो कीटोन कौन से रिएक्शन से बना, इट इज मेड फ्रॉम फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है, फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, ठीक है. तो यहां तक आपकी एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन हो जाती है समाप्त. तीन चीज़ों से बनाया, एक कैडमियम वाला, एक आपका नाइट्राइल वाला, और एक आपका फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन. तो टोटल कितनी प्रिपरेशन पड़ी, 3 आपने पढ़ी एल्डिहाइड कीटोन की कॉमन वाली, ठीक है, ओजोनोलाइसिस, हाइड्रेशन और ऑक्सीडेशन.
चार आपने नेम रिएक्शन पढ़े, ठीक है, और फिर आपने तीन प्रिपरेशन कीटोन की अलग से पढ़ी, तो टोटल आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो टोटल आपके पास 10 प्रिपरेशन है, आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है, फिंगर्स पे आपके पास होना चाहिए कि कितनी प्रिपरेशन आपने किस में पढ़ी, क्योंकि जब आपको ये पता होगा तो आप समझ पाओगे कि क्या मैं कोई चीज़ भूल रहा हूँ, मिस आउट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो जाती है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगली चीज़ की तरफ। और अगली चीज़ है आपका रिएक्शन, जिसमें 5 रिएक्शंस है। मेरा पहला है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरा है रिडक्शन, तीसरा है ऑक्सीडेशन, चौथा है आपके दैट इज अल्फा हाइड्रोजन वाले रिएक्शन एल्डोल, और फिर कैनिजारो। तो सबसे पहले आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी कार्बोनिल है, ठीक है, और इसके ऊपर अगर आप न्यूक्लियोफाइल को डालते हो, तो आपको मैंने बोला न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव सेंटर कार्बन के ऊपर जुड़ेगा, तो यहाँ से आपका कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और ये नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड ओपन होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने बाय चांस इलेक्ट्रोफाइल दिया, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑक्सीजन के ऊपर होगा, तो यहाँ से आपको न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा और ऊपर ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रोफाइल। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस कार्बन की, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हमने sp2 पढ़ी, और हमने साथ में बोला कि ये ट्राइगोनल प्लेनर भी है, ठीक है, और हमने बोला यार इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और ये टेट्राहेड्रल है। तो देखो यहाँ पे जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ, मेरा हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हुआ, मेरा शेप भी चेंज हो गया, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहली बात तो आपको इतनी पता होनी चाहिए, आपने न्यूक्लियोफाइल को ऐड किया, कार्बन के ऊपर ऐड किया, तो ऑब्वियसली आपका हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूँ, तो मेरे पास एक साइड है एल्डिहाइड और एक साइड है मेरे पास कीटोन, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जाएगा, ठीक है, जहाँ पे उसकी ज़रूरत होगी, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो टेक्निकली इसके पास मोर इलेक्ट्रॉन्स है और इसके पास लेस इलेक्ट्रॉन्स है, और अगर इसके पास लेस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होगा, ऑब्वियसली इसको ज़्यादा नीड हुई ना, और अगर ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक है और न्यूक्लियोफाइल के पास ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल इसके पास जाएगा, क्योंकि भाई वो बोलेगा कि तुम्हारे को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हारे को ज़्यादा भूख है, राइट। सो मैं क्या बोलूँगी कि मेरे एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, पहला रीज़न बिकॉज दे आर मोर इलेक्ट्रोफिलिक, बिकॉज उसके पास प्लस आई इफेक्ट कम है, ठीक है, क्योंकि उसके पास ऑब्वियसली CH3 एक ग्रुप कम है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर ये बड़े बड़े ग्रुप्स हैं तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, उसके पास केवल एक ही बड़ा ग्रुप है, तो फिर सेकेंड पॉइंटर पे भी न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो ज़्यादा ईजी है एल्डिहाइड में बिकॉज ऑफ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जब भी आपको रिएक्टिविटी के ऑर्डर में लगाना होगा, तो पहली बात तो आप एल्डिहाइड्स को पहले रखोगे कीटोन के, अगर आपस में एल्डिहाइड को कम्पीट करवाना है तो आप स्टेरिक हिंड्रेंस देखोगे, जितना छोटा एल्डिहाइड उतना अच्छा रिएक्शन, अगर कीटोन में कंपेयर करना है जितना छोटा कीटोन उतना अच्छा रिएक्शन, तो पहला फैक्टर हमेशा एल्डिहाइड्स का होगा और दूसरा फैक्टर हमेशा स्टेरिक हिंड्रेंस का हो रहा होगा, ठीक है, क्लियर है। आइए अब रिएक्शन एक एक करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अब तुमको पता है न्यूक्लियोफाइल को कहाँ जोड़ना है, तो अगर मेरे पास HCN है तो यहाँ पे CN नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, वो यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आपका CN जुड़ जाएगा और O के साथ H जुड़ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट क्या होता है, साइनोहाइड्रिन। आपको हर एक का प्रोडक्ट का नाम याद होना चाहिए, दैट यू विल गेट साइनोहाइड्रिन विद योर HCN का एडिशन, ठीक है। वहीं अगर मैंने NaHSO3 का एडिशन करवाया, तो अगर मैंने NaHSO3 का एडिशन करवाया, तो यहाँ पर से न्यूक्लियोफाइल क्या है, HSO3 नेगेटिव, ऑक्सीजन अटैक कर रहा है, तो मैं एक ऑक्सीजन को आगे लिख सकती हूँ, अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, OSO2H और ON में, अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रहना चाहता है तो यहाँ प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऊपर जाएगा ये, तो यहाँ पे OH बन जाएगा और ये OSO2NA, इसका नाम क्या होगा मैम, इसका नाम होगा सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है, ये आपका क्रिस्टलाइन इन नेचर होगा, दिस विल बी क्रिस्टलाइन इन नेचर। तो ये एक टेस्ट भी हो जाता है एल्डिहाइड्स का, क्योंकि जब आपका इसका रिएक्शन होगा तो आपको क्रिस्टल्स ऑप्टेन होंगे, और अगर क्रिस्टल ऑप्टेन हुए तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि कार्बोनिल था, तो कार्बोनिल के टेस्ट के तौर पर भी इस रिएक्शन को आप यूज कर सकते हो, ठीक है भाई, क्लियर है। आइए अगला ग्रिग्नार्ड एजेंट वाला, आई थिंक बहुत सारी बार हमने पढ़ा है, पहली बात एल्डिहाइड होगा, फिर एक कीटोन के साथ रिएक्शन देख लो, और फिर एक हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। तो अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 में MgxCl मान लेती हूँ, CH3MgCl मान लेती हूँ और CH3MgCl मान लेती हूँ, ठीक है, तो अगर मैं अटैक करवाऊँ, इसने अटैक किया यहाँ पे,
ठीक है, तो यहाँ पे सी एच थ्री जुड़ गया, ये हाइड्रोजन था, ये ओ, और साथ में वाटर भी डाल दूँ तो मैं डायरेक्टली ओ एच बना रही हूँ, क्योंकि रिएक्शन में पहले ही भी बता चुकी हूँ। तो यहाँ से आपको एक सेकेंडरी एल्कोहल मिला, ठीक है। अगर मैं इस रिएक्शन में देखूँ तो ये यहाँ पर अटैक करेगा, यू विल गेट दिस एंड ओ एच, तो टेक्निकली आपको यहाँ से क्या मिलेगा, कीटोन के साथ टर्शियरी एल्कोहल। और अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर रिएक्शन किया तो यहाँ से क्या मिलेगा, एच सी एच सी एच थ्री ओ एच, तो बेसिकली यहाँ से आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी एल्कोहल। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर आप रिएक्शन करना चाहते हो तो एल्डिहाइड सेकेंडरी एल्कोहल देगा, कीटोन टर्शियरी एल्कोहल देगा, और फॉर्मेल्डिहाइड आपको प्राइमरी एल्कोहल दे रहा होगा। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक बात। आइए अगला, एल्कोहल का एडिशन। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड है और इसके ऊपर मैं आर ओ एच डाल रही हूँ, तो मेरा न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पे, ओ आर नेगेटिव, तो ओ आर नेगेटिव अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एच है, एच हटा ही देती हूँ मैं, ओ आर लिख देती हूँ डायरेक्टली, और ऊपर ओ एच, क्योंकि एच पॉजिटिव जुड़ेगा। अगर आपने एक मोल डाला तो यही बनेगा, और इसको हम हेमी एसिटल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने इस पर एक और मोल डाल दिया तो अब न्यूक्लियोफाइल ना बन के एल्कोहल एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, और जब एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा तो वो जाएगा और वो कहेगा कि मैं जुड़ूंगा ऑक्सीजन के साथ, और इस केस में वो क्या बनाएगा, एसिटन। तो अगर आपने एल्कोहल का एक मोल यूज़ करा तो आपको हेमी एसिटल मिलेगा, और अगर आपने दूसरा मोल यूज़ कर लिया तो आपको एसिटल मिलेगा। तो याद रखना कि कितने मोल्स ऑफ एल्कोहल वो आपको दे रहा है, एक है तो न्यूक्लियोफाइल बिहेव करा, दूसरा है तो फिर ऐसा इलेक्ट्रोफाइल भी बिहेव करने लगता है। एंड यू हैव स्टडीड कि एल्कोहल का इम्बीडेंटेड नेचर होता है, ओ एच बॉन्ड ब्रेक करोगे तो न्यूक्लियोफाइल, और सी ओ बॉन्ड ब्रेक करोगे तो इलेक्ट्रोफाइल, तो दोनों की तरह वो यहाँ पे बिहेव कर रहा होगा, ठीक है। ठीक है, अच्छा कीटोन का और रह गया, तो अगर कीटोन का याद रखना, कीटोन के साथ होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन, तो यहाँ से आपका क्या होता है, आपका वाटर रिमूव होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पे, ये दोनों ओ, तो ये ओ और ये, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, कीटल रिंग एंड एच टू गेट्स एलिमिनेटेड, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, दैट इज अ कीटल इज अ फाइव मेंबर्ड रिंग एंड दिस रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन साथ में एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन साथ में एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है भाई। चलिए, अच्छा नाइट्रोजन के डेरिवेटिव्स के साथ जो कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो अगर मैं जनरली मैं बात करूँ, यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन ही होता है, तो अगर आप यहाँ पे डालते हो एन एच टू और मैं एक हाइड्रोजन और बोल रही हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली ट्रिक बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी आप वाटर एलिमिनेट करते हो, ठीक है। तो आप दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन एलिमिनेट करते हो, और एज इट इज़ क्या बचा, NH, तो डबल बॉन्ड के ऊपर आप NH लगा देते हो, ये प्रोडक्ट मिलता है आपको, ठीक है। अब मैं जब डेरिवेटिव्स की बात करी तो मैं यह H बदल बदल के कुछ और भी डाल सकती हूँ, तो मैं जनरल रिएक्शन अगर बोलूँ आपको, तो अगर आप इसके ऊपर क्या डाल रहे हो, NH2 तो सब में ही सेम है, Z एक हाइड्रोजन बदल के आपने अमाइन बना दिया, कुछ और बना दिया, तो आप Z बदलते हो, ठीक है। तो हर केस में आपको ऊपर क्या जोड़ना है, NZ, क्योंकि हर रिएक्शन में आपका ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होगा, ठीक है। चलिए आइए, तो एक एक के साथ बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ NH3, अभी हमने देखा, तो यहाँ पर हमने क्या ऐड करना है, अब आपको पता है दो हाइड्रोजन हटाना है तो NH ऐड करना है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, डबल बॉन्ड के ऊपर NH, ठीक है। अगर मैंने RNH2 है तो दो हाइड्रोजन हटा के क्या ऐड करना है, NR, तो डबल बॉन्ड के ऊपर क्या जोड़ोगे, NR। नाम एक बार लास्ट में लिखते हैं, NH2OH, तो यहाँ पे क्या जोड़ना है, NOH, दो हाइड्रोजन हटा के, तो डबल बॉन्ड के ऊपर NOH, NH2NH2, दो हाइड्रोजन हटा के क्या होगा, NH2, तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड के ऊपर NNH2, NH2PH, मतलब अब Z जो था उसकी जगह आपने फिनाइल रिंग लगा दिया, तो क्या जोड़ना है, NPH, डबल बॉन्ड के ऊपर NPH, दिस इज सेमी कार्बोजोन, दो हाइड्रोजन हटेगा, NC डबल बॉन्ड O NH2, तो डबल बॉन्ड के ऊपर NC डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। अब इस सभी के नाम आपको पता होना चाहिए, दिस इज अमोनिया, है ना, दिस इज अमाइन, दिस इज हाइड्रोक्सिल ऑक्साइन, दिस इज कार्बजीन, ठीक है, दिस इज फिनाइल कार्बजीन,
एंड दिस इज सेमी कार्बोसोम, सेमी कार्बोजाइट। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसके नाम बोलूँ तो अमोनिया से बनता है इमीन, इससे बनता है शिफ्ट बेस, इससे बनता है ऑक्साइन, कार्बोजीन से कार्बोजोन। ठीक है, दैट इज कार्बोजोन एंड यू नीड टू रिमेम्बर हाइड्रोजीन, है ना। इसमें थोड़ा सा क्लियर रहना कि व्हाट इज हाइड्रोजीन एंड व्हाट इज हाइड्राजोन, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो अगर मैं हाइड्रोजीन की बात करूँ तो दिस इज नॉट कार्बोजीन, कंफ्यूजन हो जाता है, दिस इज हाइड्रोजीन, है ना, थोड़ा सिमिलर हो जाता है हाइड्रोजीन। तो हाइड्रोजीन से बनेगा हाइड्राजोन। तुम भी भूल सकते हो तो इसलिए याद रखना ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनाइल हाइड्राजोन, सेमी कार्बोजोन। ठीक है, तो आपको ये नेम काफ़ी क्लियरली आने चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये नेम नहीं आते तो इसमें से आपको एक मैच द फॉलोइंग बन सकता है। प्रोडक्ट बनाना मैंने आपको सिखाई दिया है, दो हाइड्रोजन हटा के एज इट इज ऐड आप लोगों को कर देना होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो जाता है आपका न्यूक्लिक एडिशन रिएक्शन, मैंने यहाँ पे डाल भी दिया है। एनएसटी इमीन, दिस इज शिफ्ट बेस, ऑक्साइम, हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजोन और सेमी कार्बोजोन, सबके नाम मैच द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, या फिर डायरेक्टली नाम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट रिएक्शन पढ़ लिया है, अब दो रिएक्शन बचते हैं। पहला है रिडक्शन, फिर ऑक्सीडेशन, फिर रिडक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन और फिर नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन में दो कैटेगरी है, पहली अल्कोहल्स, तो अगर आपके पास एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड बनाता प्राइमरी अल्कोहल से, तो रिड्यूस भी होगा प्राइमरी अल्कोहल में। अगर आपके पास कीटोन है तो कीटोन बनाता सेकेंडरी अल्कोहल से, तो रिड्यूस भी होगा सेकेंडरी अल्कोहल में। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो AlIAlH4 अगर आपको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, NaBH4 या फिर H2PD। ठीक है, राइट है, आइए। अच्छा, क्लिमेंजन रिडक्शन इज अगर आप हाइड्रोकार्बन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पेपर में आया हुआ है, बट इसका रीजेंट याद रखना है, जिंक HgHCl अगर आपने डाला तो ये रिड्यूस होगा और आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बस हाइड्रोकार्बन, डबल बॉन्ड वो आपका यहाँ पर से गायब हो जाएगा। ठीक है, सेम ही प्रोडक्ट बनेंगे वॉल्फ किश्नर में भी, डबल बॉन्ड गायब कर दिया, लेकिन यहाँ पे रिएजेंट होगा NH2NH2, दैट इज हाइड्रोजीन इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, और मीडियम होता है इसका बेसिक। तो दोनों रिएक्शन में डिफरेंस क्या है, ये रिएक्शन आपने एसिडिक मीडियम में किया HCl के प्रेजेंस में, ये रिएक्शन आप बेसिक मीडियम में कर दो, इसीलिए दोनों का नाम अलग है। ठीक है, डायरेक्टली पूछा गया है क्लिमेंजन रिडक्शन का रिएजेंट बता दो, वॉल्फ किश्नर का रिएजेंट बता दो, तो रिएजेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों में एक ही डिफरेंस है कि आप रिएजेंट चेंज कर रहे हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट आएगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीडेशन मेरे पास यहाँ पे तीन होंगे। ठीक है, तो अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास तीन टेस्ट आते हैं, पहला होता है टॉलिन टेस्ट, दूसरा होता है बेहलिंग टेस्ट, ठीक है, और तीसरा होता है मेरा आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, और अगर मैं ऑक्सीडेशन करूँगी कार्बोनिल का तो किस में ही करूँगी, कार्बोक्सिलिक एसिड में ही होगा भाई। ठीक है, आगे जाके किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में ही कन्वर्ट होगा। तो क्या होगा, तीनों में ऑक्सीडेशन होगा, RCHO का ऑक्सीडेशन RCOO नेगेटिव में, आर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे दैट इज आप लोगों का कॉप, आपको मिलेगा यहाँ पे दैट इज सिल्वर, राइट, सिल्वर एज अ प्रेसिपिटेट आपको यहाँ पे मिल रहा होता है। और अगर मैं बात करूँ फेलिंग की, तो फेलिंग में आपको यूज़ करने होंगे दो सॉल्यूशंस, इसको मिक्स करके आप क्या बनाते हो, आपका नॉर्मल सॉल्यूशन। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सिल्वर नाइट्रेट, तो यहाँ पे आपको यूज़ करना होगा दैट इज Ag। ठीक है, इसको आप सेपरेटली भी लिख सकते हो बिना कंबाइन करे हुए, और साथ में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका होगा, साथ में बेसिक मीडियम में रिएक्शन होता है, तो यहाँ से आपको RCOO नेगेटिव और सिल्वर एज अ प्रेसिपिटेट मिल रहा होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो RCHO का रिएक्शन कॉपर टू पॉजिटिव के साथ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, यहाँ से भी आपको RCOO नेगेटिव और Cu2O का रेड ब्राउन PPT मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ क्या डिफरेंस है मैम दोनों टेस्ट के अंदर, ठीक है, दोनों टेस्ट में मैम क्या डिफरेंस है, पहली बात इस टेस्ट का इंडिकेशन है सिल्वर PPT, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, और यहाँ पर इसका इंडिकेशन है रेड ब्राउन PPT। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो ये टॉलिन फेलिंग आपका सोल्यूशन है,
ये दो सोल्यूशन के साथ बनता है, ठीक है? आपके पास होता है फेलिंग सोल्यूशन ए, फेलिंग सोल्यूशन बी, और दोनों को मिक्स करके आपका ये बनता है। फेलिंग सोल्यूशन ए आपका एक्वस कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है, और फेलिंग सोल्यूशन बी आपका दैट इज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, या इसको रोशल सॉल्ट भी बोलते हैं, वो होता है। दोनों को मिक्स करेंगे तो आपका यहाँ पर नॉर्मल फेलिंग सोल्यूशन बनता है, ठीक है? दोनों ही टेस्ट जनरली एल्डिहाइड्स के, ठीक है? लेकिन ये टेस्ट ऑल एल्डिहाइड्स देती हैं, ऑल एल्डिहाइड्स देती हैं, ठीक है? साथ में फॉर्मिक एसिड देता है और साथ में अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी देता है। अल्फा पोजिशन पर अगर OH लगा रखा है तो वो कीटोन भी ये टेस्ट दे देंगे। लेकिन यहाँ पर ये टेस्ट केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड देती है, मतलब कि एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देगी, यानी कि बेंजाल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देगी। तो अगर आपको एल्डिहाइड कीटोन में डिस्टिंग्विश करना है तो दोनों में से कोई भी यूज़ कर लो। लेकिन अगर आप इंटर एल्डिहाइड भी डिस्टिंग्विश करना चाहते हो, एरोमेटिक वर्सेज एलिफेटिक में कन्वर्जन करना चाहते हो, डिस्टिंग्विशिंग करना चाहते हो, तो ये वाली एरोमेटिक देगी और ये वाली नहीं देगी, तो आप इस टेस्ट को, फेलिंग टेस्ट को वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है? ठीक है। उसके अलावा फिर आता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये वो कंपाउंड्स देते हैं जिनके पास अल्फा CH3 ग्रुप होता है, ठीक है? तो अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने R लिख दिया, C डबल बॉन्ड O CH3, तो अगर आपके पास ये अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, आप इसके ऊपर डालते हो, दैट इज NaOH I2 डाल सकते हो या फिर NaOI डाल सकते हो, तो ये भी आपके एसिड के सॉल्ट में ही कन्वर्ट होती है और साथ में मिलता है CHI3 विच इज़ अ येलो कलर का PPT, जो कि कंफर्म करता है कि जो आपने लिया था, तो आपको एक मिथाइल चाहिए। अभी ये एल्कोहल्स भी देंगे जिनके पास अल्फा मिथाइल होगा, कीटोन भी देता है और एल्डिहाइड भी देगा। जिसके पास भी अल्फा मिथाइल ग्रुप होगा वो सभी देंगे। तो पहली बात तो तीनों टेस्ट भी हो गए, ठीक है, तीनों ने टेस्ट की फॉर्म में भी काम किया, और दूसरी बात तीनों ही रिएक्शंस में आपका ऑक्सीडेशन हुआ है टुवर्ड्स योर एसिड का सॉल्ट, सॉल्ट बनेगा पहले, ठीक है, H+ डालोगे तो एसिड बन जाएगा, बट तीनों ने ही ऑक्सीडेशन भी किया। तो ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए तीनों टेस्ट को लेकर, ठीक है? इतनी बात क्लियर है। आइए तो अब आ जाते हैं अगले रिएक्शन की तरफ, लास्ट दो रिएक्शंस हमारे, रिएक्शंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो उस रिएक्शन में बोलेंगे हम एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है? एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, ठीक है? तो आपके पास पहले मैं एक मैकेनिज्म बता रही हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। सेल्फ एल्डोल है ये, ठीक है? CH3CHO के ऊपर अगर आपने डाइल्यूट NaOH डाला और हीट करा तो क्या बनेगा, ठीक है? राइट है। तो अगर मैं इसकी मैकेनिज्म की पहले बात करूँ, CH3CHO है और अगर आपने इसके ऊपर डाइल्यूट NaOH डाला तो बेस क्या करेगा, H+ को लेके जाएगा, ठीक है? यहाँ पे CH2 हो जाएगा और COOH हो जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, H पॉजिटिव निकाला है। दूसरा मोल आएगा सेमी कंपाउंड का, और आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन प्रेजेंट है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड आपका ओपन होगा। तो ये आपके पास कार्बन है, ये CHO था, इसने इस कार्बन पे अटैक किया, यहाँ पे O नेगेटिव बन गया, साथ में यहाँ CH3 है और ये हाइड्रोजन है, इस पे अटैक करके, ठीक है? अब जो H+ आपने निकाला था वो H+ इसको आप वापस देते हो, तो H+ यहाँ पे जुड़ के आपको बना देता है एल्कोहल। तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, यू गेट, ये है आपका दैट इज अल्फा और बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्कोहल, ठीक है? अब अगर आप इसे हीट देते हो तो आपको पता है एल्कोहल्स क्या करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे होगा एलिमिनेशन किसका, वाटर का, ठीक है? तो एक ये हाइड्रोजन है अल्फा और ये है H2O, तो ये आपको एलिमिनेट जब करेगा तो क्या देगा, HC डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, तो आपको मिलेगा ये फाइनल प्रोडक्ट जिसको आप बोलते हो अल्फा और बीटा, यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो अगर हीट करा है तो आपको ये एल्कीन मिलेगा, ठीक है? लेकिन अगर हीट नहीं करा है तो आपका रिएक्शन एल्कोहल पे आके रुक जाएगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म जिसमें पहला है H+ का एक्सट्रैक्शन, दूसरा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तीसरा है एडिशन ऑफ H पॉजिटिव और लास्ट है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। चार स्टेप में एल्डोल कंडेंसेशन को करवाया जाता है। लेकिन मैम अगर हम डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक दे रही हूँ जिसमें आपको ये तो कम से कम पता होना चाहिए कि आपका कौन सा कार्बन निकलेगा। तो आपको पता है ये है और ये कार्बोनिल है, ठीक है? तो आपको पता है कि मैम यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है? तो सिंपली यहाँ से आप एलिमिनेट कर दो H2O को। अगर आप H2O को एलिमिनेट करते हो तो H
सी डबल बॉन्ड हो, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ये कार्बन, आपको डायरेक्टली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिल जाएगा। तो अगर आप एक स्टेप में रिएक्शन करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे ऐसे अरेंज करो कि आपका अल्फा हाइड्रोजन और कार्बोनिल साइड बाय साइड आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर आपका क्वेश्चन है ये सी एच ओ और इसके ऊपर आपने रिएक्शन करा है दो मोल्स के ऊपर, तो इनको कैसे अरेंज करोगे? ऐसे सी एच ओ है, इस कार्बन से निकल रहा है, ठीक है, ये है और दूसरा कार्बोनिल ये है, ये है और ये है। तुमको पता है यहाँ से निकलेगा ना हाइड्रोजन, ठीक है, अगर मैं बोलूँ तो ये सी एच है और एक एच है, तो दो हाइड्रोजन इसके निकलेंगे और एक ऑक्सीजन इसका निकलेगा, तो क्या होगा? सी डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन, यहाँ से निकल रहा है ये कार्बन और ये एच डायरेक्टली प्रोडक्ट। ऐसे अरेंज करो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साइड बाय साइड आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास ये है और तुम्हें इसका बताना है तो क्या करोगे? कार्बन 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 डबल बॉन्ड, तुमको पता है इससे निकलेगा, इसको ऐसे लिटा दिया, ऐसे और ऐसे करा, यहाँ से आप यहाँ से डबल बॉन्ड ओ रिमूव करोगे तो ये बनाएगा सी डबल बॉन्ड ओ कार्बन, डबल बॉन्ड डायरेक्टली इससे जुड़ गया क्योंकि एच टू निकल चुका है, फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको साइड बाय साइड लेटो और एच टू ओ को एलिमिनेट कर दो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये सेल्फ एल्डोल है, लेकिन अगर मुझे वही क्रॉस एल्डोल बताना है तो उसके कितने प्रोडक्ट बनेंगे? क्रॉस एल्डोल मतलब दो रिएक्टेंट्स, फॉर एग्जाम्पल सी एच थ्री सी एच ओ है और सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री है, तो अब यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे मैम इस रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ? तो याद रखना यहाँ पे होगा दो सेल्फ एल्डोल सी एच थ्री, इस साइड करते हैं सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री और ये हाइड्रोजन सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री और हाइड्रोजन, ठीक है, दूसरे का सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, तो दोनों तो सेल्फ हो गया। अब एक बार एक लेगा, जैसे फॉर एग्जांपल इसने नेगेटिव लिया और इसने दूसरे वाले ने अपना कार्बोनिल दिया, दूसरी बार दूसरे वाले ने अपना हाइड्रोजन दिया और इसने अपना हाइड्रोजन दिया, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, मतलब एक इधर बॉन्ड बनेगा, एक इधर बॉन्ड बनेगा, एक इधर बॉन्ड बनेगा और एक इधर बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ से कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे मुझे? पहला प्रोडक्ट मिल जाएगा ये एच सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, सी सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, ठीक है, एच सी डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, सी सी डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपको दो सेल्फ एल्डोल मिला है और दो क्रॉस, तो टोटल चार प्रोडक्ट मिले, लेकिन चार प्रोडक्ट तब मिले जब दोनों ने अल्फा हाइड्रोजन दिया है। अगर ऐसा कोई केस होता कि एक ही प्रोडक्ट अल्फा हाइड्रोजन दे पा रहा है तो एक बार वो अपना सेल्फ करता और एक बार वो क्रॉस करता, तो आपको देखना पड़ेगा कि कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जितने अल्फा हाइड्रोजन है उतने कॉम्बिनेशन बनाने, पहले सेल्फ 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 के बनाने और फिर क्रॉस क्रॉस के बनाने। तो अगर आप जनरल केस मान के चलो तो वहाँ पे चार आपको क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स मिल रहे होंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा मेरा कैनिज़ारो रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन रहेगा यहाँ पे मेरा कैनिज़ारो। तो अगर मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बाय चांस, कि अगर मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एच सी एच ओ है, ठीक है, इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे होगा? और इसके ऊपर मैं डालूंगी कॉन्सेंट, वहाँ पर मैंने डाइल्यूट डाला था, यहाँ पर मैं डालती हूँ कॉन्सेंट्रेटेड एन ए एच। तो यहाँ पे होता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी कि पहले होता है इसका ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडाइज होकर सी ओ एन एसिड का सॉल्ट बनाएगा और साथ में देगा रिडक्शन सी एच टू ओ एच। तो एल्डिहाइड का एक साइड रिडक्शन हुआ, एक साइड ऑक्सीडेशन हुआ, दिस इज अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, दिस इज अ सेल्फ कैनिज़ारो, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यही रिएक्शन हम बेंजल्डिहाइड का कर देते, तो यहाँ से बेंजल्डिहाइड का पहले एसिड बना दो सी ओ ओ एन ए और फिर बेंजल्डिहाइड का एल्कोहल बना, तो दिस इज अ कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, अगर दो अलग अलग रिएक्टेंट है मेरे पास, दैट इज क्रॉस कैनिज़ारो एच सी एच ओ और ये, तो मैम किसका हम एसिड बनाए? तो जो मोर इलेक्ट्रोफिलिक होता है, और जनरली मोर इलेक्ट्रोफिलिक विद इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होता है, जो मोर इलेक्ट्रोफिलिक होता है उसका एसिड बनाते हैं, तो इस केस में इसका एसिड बनता है एच सी ओ ओ एन ए और दूसरे वाले का एल्कोहल बनता है। बट कैनिज़ारो रिएक्शन वही देंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो जनरली बेंजल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड
कोई ऐसा एल्डिहाइड जिसके सारे अल्फा हाइड्रोजन में पोजीशन कोई अवेलेबल ना हो हाइड्रोजन के लिए, वही कैनिजारो रिएक्शन देंगे। तो टोटली आपने कितने रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन के पढ़े, 10 प्रिपरेशन आप लोगों ने पढ़ी हैं, फिर 5 रिएक्शंस आपने पढ़े हैं, पहला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिर 2 रिडक्शंस पढ़े, फिर 3 ऑक्सीडेशंस पढ़े, रेल्डोल पढ़ा और फिर कैनिजारो पढ़ा। तो ये पूरा समरी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए और वो तब होगा जब आप इसको बार बार लिखोगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे। इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स भी मैंने शायद कम्युनिटी पे डाले हैं और मेरे टेलीग्राम वगैरह के हैंडल्स पे भी, जो आप लोगों का CUT अड्डा वाला है उस पर भी डाला हुआ है, तो आप वहाँ से भी इसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, आइए लास्ट है एसिड। एसिड बहुत सारी चीज़ों से बनता है बट बहुत आसानी से बनता है। तो पहले मैं एक आपको हाइड्रोलाइसिस का कंसेप्ट बता देती हूँ। हाइड्रोलाइसिस का मतलब एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास RC(OOH)2 है और इसके ऊपर मैंने हाइड्रोलाइसिस किया, दैट इज H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। तो तुमको ये पता है कि जब बॉन्ड तोड़ोगे इसके ऊपर पॉजिटिव है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव चीज़ जुड़ेगी और नेगेटिव से पॉजिटिव चीज़, तो यहाँ से क्या बनेगा RCOOH और NH3। ठीक है, तो जितने भी आप फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको इजीली एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो हाइड्रोलाइसिस के साथ। तो इसीलिए मैं डायरेक्टली आप लोगों को यहाँ पे फ्लो चार्ट दे रही हूँ एसिड बनाने का। ठीक है, अच्छा एक रिएक्शन और अलग से बता देती हूँ फिर फ्लो चार्ट बनाती हूँ, क्योंकि बाकी सब तो सेम ही है। टाउलिन यानी कि एल्काइल बेंजीन, कोई भी आपके पास ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, कोई भी जिसके पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, जैसे इसके पास तो है ही, तो अगर यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन है और इसके ऊपर अगर आप KMnO4 KOH और हीट डालते हो तो ये पूरा का पूरा बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कोई कंपाउंड है जिसके पास नहीं है अल्फा हाइड्रोजन तो इसके ऊपर ये रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं। ठीक है, बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप्स को आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो। तो आइए एक एक करके बनाते हैं। RCOH बनाना है, हम एल्कोहल से बना सकते हैं प्राइमरी, ठीक है, हम बना सकते हैं आपके दैट इज अभी हमने देखा टाउलिन से बना सकते हैं, हम उसके अलावा किससे बना सकते हैं, हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना सकते हैं, हम नाइट्राइल से बना सकते हैं, हम अमाइड से बना सकते हैं, हम एसिड क्लोराइड से बना सकते हैं, हम एस्टर से बना सकते हैं, हम एसिडिक एनहाइड्राइड से बना सकते हैं। ठीक है, इनमें से किसी से भी बना सकते हैं। तो अगर मैं इनमें से किसी से भी बना रही हूँ तो रिएजेंट्स क्या क्या हैं, बस वही याद रखना, बहुत ही सिंपल है। 7 रिएक्शन लगेंगे बट है नहीं 7, क्योंकि सब में कॉमन ही चीज़ है जो आती है। ठीक है, आइए ज़रा इस फ्लोचार्ट को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। सब में मैं एरोज दे रही हूँ ताकि हमारा फ्लोचार्ट, आप भी इसको जब प्रैक्टिस करो तो आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करना, 7 रिएक्शंस एक गो में हो जाएंगे, कन्वर्जन्स में भी आपके हेल्प करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या डालना है, आइए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरे पास एल्कोहल है, तुमको पता है प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर सकते हो, तो आप यूज़ करोगे KMnO4 के या फिर K2Cr2O7, कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर आप यूज़ करके इस रिएक्शन को कर सकते हैं। ठीक है, टाउलिन का भी हमने देखा KMnO4 KOH और हीट करना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए आपको डालना पड़ेगा CO2 और H पॉजिटिव, तो ये आपका मतलब COH का एडिशन हो जाएगा। RCN के लिए कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करो H+H2 ना, इस सब के लिए अब हाइड्रोलाइसिस कर दो, सब के ऊपर अगर आप पानी डाल दोगे तो ये एसिड में कन्वर्ट होगा, सब के ऊपर पानी डालोगे एसिड में कन्वर्ट, सब के ऊपर पानी डालोगे बेसिकली क्या होता है, यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है, ये बॉन्ड टूट जाता है, ये बॉन्ड टूट जाता है, सब जगह OH इस साइड H, ठीक है, इस साइड OH, ये भी टूटता है, तो यहाँ पे OH और दो बार होता है, इसलिए यहाँ पे NH3 साइड प्रोडक्ट निकल के आता है। तो प्रिपरेशन ऑफ एसिड आप इनमें से किसी भी एक फंक्शनल ग्रुप के इंटर कन्वर्जन के थ्रू इजीली कर सकते हो। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल था। रिएक्शंस उससे भी सिंपल है, पहला कंसेप्ट जो एसिडिटी का है वो तो डायरेक्टली हमारे एल्कोहल फिनॉल ईथर से ही है। ठीक है, तो अगर मैं पहली चीज़ की बात करूँ दैट इज कंसेप्ट ऑफ एसिडिटी, तो दो देखो यहाँ पे भी बहुत सारे रिएक्शन हैं बट वो बहुत सारे हैं नहीं क्योंकि आधे से ज़्यादा पढ़ चुके हो। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एसिडिटी की, तो यू नो कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है इन कंपेरिजन टू फिनॉल। क्यों है मैम? क्योंकि आपके पास यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल RCOO नेगेटिव है और यहाँ पर आपके पास O नेगेटिव है। अगर आप इसके रेजोनेंस में जाओगे तो ये बनाएगा ऊपर वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और अगर आप इसके रेजोनेंस में जाओगे तो यहाँ पे आपका बनेगा दैट इज
यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है और यहाँ पे ऑक्सीजन पे है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा आपके जो एसिड्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रोंगर एसिड है इन कंपेरिजन टू फिनॉल एंड एल्कोहल। अगर मुझे कंपेयर करना है एरोमेटिक एसिड और मेरे एलिफेटिक एसिड में, तो यहाँ पर भी इस रिंग का माइनस आई इफेक्ट है और इसका प्लस आई इफेक्ट है, तो ये ज़्यादा स्ट्रोंगर हो गया। ये जो कार्बन है ये sp2 कार्बन है और ये जो कार्बन है ये sp3 कार्बन है। sp2 है तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो अगेन तो दो रीजंस मिल गए आप लोगों को ये जस्टिफाई करने के कि आपके जो एरोमेटिक एसिड है जैसे बेंजोइक एसिड है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है इन कंपेरिजन टू योर एलिफेटिक एसिड, ठीक है। पहली बात, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कार्बोक्सिलिक है, फिर फिनॉल है, फिर वाटर है, फिर एल्कोहल है। अब कार्बोक्सिलिक में भी एरोमेटिक और एलिफेटिक में एरोमेटिक ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है क्योंकि उसका उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है, उसके पास माइनस आई इफेक्ट भी है। साथ ही में अगर मैं इंटर एसिड्स में, तो आप सभी लोग को पता है कि अगर मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहाँ पर मुझे माइनस एम इफेक्ट सबसे स्ट्रॉन्गर मिलेगा, फिर मेरे पास यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट हो तो बढ़िया है मेटा पे, फिर कोई भी ग्रुप मत लगाओ वो बढ़िया है, फिर अगर आपको लगाना है तो फिर यहाँ पे आप प्लस आई लगाओ वो थोड़ा ठीक है, और फिर अगर आपको देखना है तो सबसे वीक आपका प्लस एम वाला होगा। तो अगर आपको जब भी कंपेयर करना है इंटर कार्बोक्सिलिक एसिड तो आप इफेक्ट्स को चेक करोगे, माइनस एम सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर माइनस आई, फिर नो इफेक्ट, फिर प्लस आई, फिर प्लस एम। ये मैंने एल्कोहल फिनॉल ईथर में भी आपको लिस्ट लिखवाई है, वन शॉट देख के आप वो लिस्ट भी देख सकते हो, और अगर कंपेयर करना है तो इस ऑर्डर में कंपेयर करके आप एसिडिटी के ऑर्डर को भी लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं एनहाइड्राइड बनाती हूँ तो अब जिस चीज़ को तुमने तोड़ा है और उसमें से क्या पानी डाला है तो पानी को ही निकाल दो, तो आप अलग अलग चीज रिएक्शंस कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये है और मैं इसमें से वाटर निकाल दूं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ आर, ठीक है, एनहाइड्राइड दे दिया। तो आपने क्या किया, आपने वाटर निकाल दिया। तो अगर आप एनहाइड्राइड बनाना चाहते हो 2 मोल्स को लो और पानी निकाल दो। पानी निकालने के लिए क्या यूज़ कर सकते हो, H+ या हीट कर दो या P2O5 और हीट कर दो, दोनों ही डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। तो अब जितने भी 7 रिएक्शंस में थे 5 में पानी डाला था, उन सभी फंक्शन ग्रुप में से पानी निकाल दो, ठीक है। तो मतलब उन सभी मतलब एसिड में से पानी निकाल दो तो अब उन सभी को बना सकते हो। फॉर एग्जांपल एस्टिफिकेशन, अगर मेरे पास RC OH है, ठीक है, और साथ में मेरे पास क्या है, दैट इज़ ROH है, तो अगर मैं इसमें से वाटर निकाल देती हूँ तो यहाँ से आपको मिल जाता है RC OR, ठीक है। ये रिएक्शन में एल्कोहल फिनॉल ईथर में भी पड़ा था, है ना, H+ के प्रेजेंस में -H2, तो यहाँ से आपको वापस से क्या मिल जाएगा, आपका ईथर मिल जाएगा। PCl3 इन सभी के साथ भी करोगे RCOH, आप PCl3 के साथ कर सकते हो जो हमने एल्कोहल में पढ़ा था, तो वो सेम ही रिएक्शन है। इनमें से किसी के साथ भी करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, RCOCl, ठीक है, और साथ में उस साइड आपका HCl निकला तो HCl, डिपेंडिंग अपॉन आप PCl3 डाल रहे हो, PCl5 डाल रहे हो या SOCl2 डाल रहे हो, तो आपको HCl भी मिल जाएगा, तो एसिड क्लोराइड वापस बन गया, ठीक है। अमोनिया के साथ करना है तो RC OH है और ये आपका OH है और साथ में NH3 है, तो ये है एसिड, एक है बेस, तो ये H+ देगा तो ये बनाएगा RCOO- और वो H+ ले लेगा NH4+। यहाँ से आप अमोनिया को निकाल दीजिए तो यहाँ से क्या बन जाएगा, सॉरी, यहाँ से अगर आप वाटर को निकाल दीजिए, दैट इज़ यू रिमूव वाटर वंस अगेन जो आपने दिया था, तो ये बनाएगा RC OH और साथ में अमोनिया निकल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में पहले अमोनिया डाला तो एसिड बेस रिएक्शन हुआ, पानी निकाल दिया तो आपको यहाँ से अमाइड बन गया, तो फाइनल प्रोडक्ट इज़ अमाइड। जब भी आप अमाइड बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोगों को ये H2O, ठीक है, जब भी आप अमाइड बनाना चाहते हो, क्या ही लिखा हुआ है, जब भी आप अमाइड बनाना चाहते हो तो आप अमोनिया को डाल दो किसके ऊपर, एसिड के ऊपर। तो ये सभी OH बॉन्ड ब्रेक करके बना, ठीक है, एसिडिटी, एनहाइड्राइड, ये सारे रिएक्शन में आपने OH बॉन्ड को ब्रेक किया, ठीक है। वहीं अगर मैं CO बॉन्ड की बात करूँ तो रिडक्शन आएगा, डीकार्बोक्सिलेशन आएगा, हेलोलर्जेंसी आएगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगा। तो रिड्यूस तो नॉर्मल, अब प्राइमरी एल्कोहल से बनाता तो अगर आप इसको रिड्यूस करोगे तो प्राइमरी एल्कोहल ही मिलेगा आपको, यूज़ कर लो LiLH4, है ना, तो रिडक्शन में प्राइमरी एल्कोहल ही मिल जाएगा। अगर मैं डीकार्बोक्सिलेशन की बात करूँ तो अगर मेरे पास RCOOH है और अगर मैंने इसके ऊपर डाला NaOH, CaO और हीट, तो यहाँ से CO2 निकलता है तो RH, जस्ट ये CO2 हटता है
और साथ में मिलता है Na2CO3। तो आपने क्या किया, CO2 को हटाया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये है COH है ना, और इसके ऊपर आपने रिएक्शन किया तो यहाँ से बेंजीन मिलेगा, क्या आपका CO तो हट गया और Na2CO3। तो आपने क्या किया, COO को हटा दिया और नॉर्मल हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। एंड लास्ट है आपका हेल वोल्हार्ड ज़िलेंस्की रिएक्शन, ये उनके लिए होगा ऐसे एसिड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसके ऊपर अगर आप हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फरस डाल देते हो, ठीक है, पानी के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का एक रिप्लेसमेंट होता है और यहाँ पे हेलोजन लगता है एंड यू गेट अल्फा हेलो एसिड। ठीक है, क्या मिल जाता है आपको, अल्फा हेलो एसिड मिल जाता है। तो ये आपके लास्ट नेम रिएक्शन है। एंड लास्टली क्योंकि COOH एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर होता है, क्योंकि ऑर्थो पैरा पोजिशन पे ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देता है। तो अगर आप HNO3 और H2SO4 डालोगे तो NO2 पॉजिटिव मेटा पोजिशन पे जुड़ जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अगर आप Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 डालोगे तो आपका Br पॉजिटिव मेटा पोजिशन पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सब्स्टिट्यूशन तो डायरेक्ट रिएक्शन ही रहेगा। सो दैट इज द कंप्लीट चैप्टर दैट यू हैव बच्चों, यही आपके सारे रिएक्शंस हैं। तो अभी हमने फॉर एग्जांपल 3 प्रिपरेशन आपकी एल्डिहाइड कीटोन की थी, 4 आपकी एल्डिहाइड की थी, 3 आपकी कीटोन की थी और 7 आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की थी। तो 17 रिएक्शंस तो आपके प्रिपरेशन के हो गए। अगर मैं रिएक्शंस की बात करूँ तो 5 रिएक्शन आपके किसके थे, एल्डिहाइड कीटोन के, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन एल्डोल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और केनिज़ार हुआ। और अगर मैं इसके रिएक्शन की बात करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो यहाँ पे आपके हो जाते हैं, दैट इज़ 14 रिएक्शंस। तो इस चैप्टर के टोटल रिएक्शंस लगभग तो 8, 9, 10, 11 और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 30 से 31 रिएक्शन है जो आपको इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, और 30 में से 20 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई वुड सजेस्ट अगर आपने वन शॉट देख लिया है तो आपको ये समझ में आया है कि इस चैप्टर को कैसे याद करना है। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट समरी बहुत क्लियर होनी चाहिए। जब भी आप रिवाइज कर रहे हो तो आपको देखना है क्या ये 3 याद है, क्या ये 4 याद है, 3 याद है, 7 याद है। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको ऑर्गेनिक धीमे धीमे आने लगेगी। रोज़ एक फंक्शन ग्रुप उठाओ और रिवाइज करो, क्योंकि अब हमारे ऑलमोस्ट सारे वन शॉट्स पूरे होने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप सो आप सभी लोगों की बात समझ में आई और काफ़ी हद तक चैप्टर क्लियर हुआ होगा। बाकी हम लाइव में मिलेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एंड यस रेगुलरली बैचेस में तो मिलते ही हैं। तो वही मैं बोलूँगी कि आप सभी लोग बस एक्टिव रहो, पढ़ाई करते रहो, और अगर आप सीरियस सोर्स ढूंढ रहे हो पढ़ने का तो डेफिनेटली गो फॉर अ बैच। और कोई डाउट रहता है कि मैम बैच में ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो आपके पास मेरी ईमेल आईडी है, मैंने स्टार्टिंग में बताई है, मेल मी एंड आई विल हेल्प यू बेटर। ठीक है, अगर एनरोल करते हो तो इसी कोड के साथ करना, क्योंकि मेरा कोड है एंड आई विल गेट टू नो कि आप सभी लोग मेरे सेशन में जुड़े हो और आपने चीज़ों को सीखा है और इसीलिए आप बैचेस को ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, तो मैं वेट कर रही हूँ, चाहे यूट्यूब हो चाहे बैच, हर जगह आप सभी लोग के लिए एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। गुड लक बच्चों।